सीट बंटवारे पर एनडीए में जोर आजमाइश तेज, संजय निषाद ने चली ऐसी चाल, प्रेशर में आ गए होंगे सीएम योगी। उपचुनाव से पहले संजय निषाद का एक ऐसा दांव, 10 सीटों पर अपने मन की मर्जी कर दी। संजय निषाद ने 10 सीटों के लिए अभी से क्यों नियुक्त कर दिए 10 प्रभारी, संजय के इस प्रयास से अब बीजेपी क्या करेगी। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की अब तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों में हलचल अभी से तेज है। भाजपा ने सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे का पत्ता खोला है, फिर भी एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर रस्साकसी तेज हो गई है। सहयोगी दल आरएलडी और सुभाषपा ने भले ही अभी तक सीट को लेकर आवाज नहीं उठाई, लेकिन निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भाजपा पर दबाव बनाने के लिए नया सियासी दांव चल दिया है। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा उपचुनाव के एनडीए खासकर भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद प्रदेश की योगी सरकार सभी सीटों पर कब्जा कर सपा को करारा जवाब देना चाहती है। इस बीच भाजपा को सहयोगियों से ही संकट पैदा करने की आशंका दिखने लगी। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के दांव से भाजपा हैरान है। सीटों के तालमेल से पहले ही संजय निषाद ने कैसे रास्ते पर चलने का फैसला कर लिया, जो सीएम योगी की ओर से फ्रंट फुट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के खेलने की मंशा पर चोट करने वाला है। अब बीजेपी को विरोधियों के साथ अपनों से भी भिड़ना पड़ेगा। संजय निषाद ने तो 10 में से 2 सीटों पर अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। बीजेपी की ओर से उपचुनाव की तैयारी शुरू करने के बाद से ही संजय निषाद कटहरी और मझवा सीट पर कई मंचों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में दोनों सीटें निषाद पार्टी के ही खाते में थी। मझवा पर जीत हुई, लेकिन कटहरी में निषाद पार्टी 5,000 से अधिक मतों से पराजित हुई थी। बहरहाल अब लखनऊ में हुई 3 दिवसीय कार्य समिति की बैठक के बाद सभी 10 सीटों के लिए प्रभारियों का भी संजय निषाद ने ऐलान कर दिया। इन प्रभारियों को पार्टी को जीत दिलाने में जुटने के निर्देश दिए गए हैं। कमाल की बात यह कि संजय निषाद ने भाजपा के टिकट पर जीते विधायकों को भी अपनी पार्टी का प्रभारी बना दिया। संजय निषाद ने विधायकों को जिम्मेदारी देते हुए कहा कि भारत सरकार की निर्वाचन नियमावली के अनुसार कोई भी उपचुनाव 6 महीने के अंदर होना आवश्यक है। कहा कि निषाद पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में 15 सीटों में से 11 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुई। इसमें 10 सीटें निषाद पार्टी और 5 सीटों पर निषाद पार्टी के प्रत्याशियों ने भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था। मझवा में डॉक्टर विनोद बिंद विधायक बने थे, आज भदोही के सांसद हैं। इसी तरह कटहरी में बहुत कम वोटों से सफलता नहीं मिल पाई, यहाँ विपक्ष की जीत हुई। विपक्ष का सांसद बन जाने के कारण दोनों सीटों पर उपचुनाव होना सुनिश्चित हुआ है। कांग्रेस और सपा इसे बीजेपी और सहयोगी दलों की आपसी फूट बता रही। कांग्रेस के मुताबिक ऑल इज नॉट वेल इन बीजेपी, अब सहयोगी दल ही भाजपा से दो दो हाथ करने को तैयार। सरकार को इसलिए कई प्रस्तावित कदम वापस लेने पड़े। संजय निषाद भी बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। वहीं सपा के मुताबिक बीजेपी ने समझौता सुविधा अनुसार किया है, सत्ता के लिए कोई विचारधारा का मिलान नहीं है, इसीलिए संजय निषाद ने 10 सीटों पर 10 विधायकों को प्रभारी घोषित कर दिया। सत्ता में काबिज होने के लिए केवल समझौता करना बीजेपी की राजनीति है। बीजेपी खुद में आपसी सामंजस्य नहीं है, आपसी कलह है। कौन उप है, कौन मुखिया, पता ही नहीं चलता।